कोई भी सपना नामुमकिन नहीं है, बस आपको उसको जीने की और पाने की चाहत रखनी चाहिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं जहीर अब्बास अपने यूट्यूब चैनल पैरालाइज्ड मोटिवेटर जेड पर आपका एक बार फिर वेलकम करता हूं। आज हम बात करेंगे, जैसा कि आपने देखा कि ठंड का मौसम स्टार्ट होने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग आज हम लोग बात करेंगे कुछ पैरालिसिस के, जो किसी भी टाइप के पैरालिसिस के पेशेंट हैं उन लोगों को सर्दी किस तरह से स्टार्टिंग में और सर्दी का मौसम कैसे परेशान करता है, उनको क्या क्या परेशानियां आती हैं, आज हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। मैं वो चीज़ें दिखाऊंगा क्योंकि मैं वो चीज़ें फेस कर चुका हूं पहले, काफ़ी टाइम पहले। तो दोस्तों, जैसे ही सर्दियां स्टार्ट होती हैं, हम लोग एक्चुअल में के पैरालिसिस के पेशेंट हैं, तो हम लोगों को सेंसरी पावर नहीं है हमारी बॉडी के अंदर, तो हम लोगों को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जैसे सर्दी स्टार्ट हो। सबसे पहले तो देखिए, हम लोगों को करना क्या है कि अपनी चेस्ट को और अपने शोल्डर को, मतलब कि अपने सीने को और कंधे को सबसे पहले ढकना है, क्योंकि हम लोगों को ठंड का पता या गर्मी का पता तब चलता है जब वो हमें परेशान करने लगती है ज़्यादा। तो इसलिए सबसे पहले हमने अपनी चेस्ट को और अपने शोल्डरों को एक स्वेटर से ढक के रखना है रेगुलर। दूसरा, अगर इन केस ऐसी कोई परेशानी आ जाती है, सर्दी लग जाती है और चेस्ट में कफ आ जाता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, तो हमने करना क्या है, देखें, ये एक सिरप है जो कि मैं काफ़ी टाइम से यूज़ करता आ रहा हूँ, इसका नाम है ब्रोजोडेक्स। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दिन में एक बार या दो बार सुबह शाम हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये है ब्रोजोडेक्स सिरप, जो कि मैं पिछले काफ़ी टाइम से, जब भी सर्दियाँ आती है और मेरे को कभी ऐसी दिक्कत महसूस होती है, तो मैं ये यूज़ करता हूँ। आपको क्या करना है, हल्के से गुनगुने पानी से दिन में दो बार आप इसको ले सकते हैं, बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। ज़रूरी नहीं कि इसको पाँच दिन चार दिन लेना है, आप इसकी दो डोज भी लेंगे, 15-15 ml की दो डोज अगर लेंगे इसकी, तो आपको शायद एक ही दिन में फ़र्क लग जाएगा। ये होगा क्या कि चेस्ट के अंदर जो भी कफ जमा होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, उसको ये खाने के आधे घंटे या एक घंटे के बाद में खांसी के रूप में ये इसको बाहर निकाल देगा और हमारी जो चेस्ट के अंदर कंजक्शन है वो ख़त्म हो जाएगी। होता क्या है कि जरा सी परेशानी सर्दी आने की वजह से होने लगती है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, इरिटेट होते हैं, हमारे पेरेंट्स भी या हमारे केयर एंड टेकर, हम लोग करें क्या, तो होता क्या है कि फटाफट लेके हॉस्पिटल भागते हैं। हॉस्पिटल में जाने का मतलब है कि 1-2 lakh रुपये का बिल बनवाना, और वो जाते ही हमारे जैसे पेशेंट को वेंटिलेटर पर डाल देते हैं, क्योंकि सांस में कंजक्शन होने की वजह से वो भी नहीं माइंड कर पाते कि क्या दिक्कत हो रही है। ऐसे बहुत से केसेस मेरे सामने आए, मेरे साथ ऐसा खुद हुआ था 7 साल पहले, बाकी अब तो एक्सपीरियंस हो गया तो मुझे इतना आइडिया हो गया। दूसरा है एक ये नेबुलाइजर की मशीन है। आप सिरप के बाद में क्या कर सकते हैं, दिन में दो बार अगर आपको ज़्यादा ही चेस्ट में कंजक्शन हो रही है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अब ऐसा लग रहा है कि यार अब तो मैं बचूंगा ही नहीं है, मैं परेशान हो गया, मेरी सांस उखड़ रही है, तो आप ये नेबुलाइजर ले सकते हैं दिन में दो बार। इसके अंदर हमने करना क्या है कि ड्यूलिन आता है इसका, एक जेंट्स का ड्यूलिन आप बोलेंगे, एडल्ट का ड्यूलिन बोलेंगे, मैं दिखा देता हूँ कैसा होता है, तो वो आपको केमिस्ट की शॉप पे आसानी से मिल जाएगा। ये ड्यूलिन है, आपने बोलना है कि एडल्ट वाला ड्यूलिन दे दीजिए, और इसको सलाइन वाटर के साथ में इसके अंदर डालना है। तो दोस्तों हमने करना क्या है कि ये इसको यहाँ से माउथ को खोल के और इसकी कैप के अंदर हमने लेना है ड्यूलिन लेना है, ये ड्यूलिन लेना है, 2 ml का है ये, मार्केट में 10-12 रुपए में मिल जाएगा आपको, और इसको पूरे को इसके अंदर डाल देना है इस तरह से, और इतना ही फिर आपने क्या करना है, ये स्लाइन वाटर लेना है, नॉर्मल स्लाइन वाटर जो होता है वही, ये स्लाइन वाटर इतना ही इसके अंदर डाल देना है, दोनों मिक्स हो जाएंगे। दोनों मिक्स होने के बाद में आपने, जब तक ये ख़त्म ना हो जाए, इसको इसकी कैप लगा के ऐसे, और जब तक ये ख़त्म ना हो जाए अपने मुंह पे लगा के रखना है, ठीक है, और मुंह पे लगाने के बाद में सांस अंदर खींचनी है और सांस बाहर निकालनी है। उससे होगा क्या, हमारी चेस्ट के अंदर जो भी कंजक्शन होगी या जो भी दिक्कत होगी, कोई कफ होगा, कोई इन्फेक्शन होगा, वो इसके बाद में लगाने के बाद में फौरन 5 या 10 मिनट के बाद में आपको रिलीफ दे देगा।
देखिए ये मशीन भी आपको मार्केट में केमिस्ट की शॉप पे या होलसेल की मार्केट में 500 से लेके और ऊपर तक मिल जाएगी। ज़रूरी नहीं है यही वाली मशीन हो, मेरे पास तो ये है। बाकी आप कोई सी भी मशीन निमलाइजर बोलकर मार्केट से परचेज कर सकते हैं। तो ये बहुत छोटी सी ट्रिक है, आप इससे अपने लाखों रुपये बचा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए इसको इस तरह से आपने लगाना है, ऐसे लगाना है इसको, और जब तक ये ड्रिलिंग पूरा ख़त्म ना हो जाए तब तक आपने इसको लगाए रखना है। मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ, देखिए तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से आप निमलाइजर कर सकते हैं, निमलाइज हो सकते हैं और अपना ये जो सिरप मैंने बताया था ये यूज़ कर सकते हैं। देखिए छोटी सी ट्रिक है, कोई ज़्यादा नहीं है, आप नॉर्मल ला के घर में इसको रखिए। कभी भी पैरालाइज का, किसी भी टाइप का पैरालाइज का पेशेंट है, ज़रूरी नहीं है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का ही है, जो बैड रिडन है, हार्ट वाला है या फिर आपका स्ट्रोक वाला है, हेमरेज वाला, किसी भी तरह का कोई भी पेशेंट है जो बैड रिडन है, उसको चेस्ट के कंजेक्शन की प्रॉब्लम आती ही आती है, 101% आती है, क्योंकि उस वो ज़्यादातर लेटा रहता है तो उसके लंग्स जो हैं प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं और उसको छोटी छोटी थोड़ा सा जैसे ही मौसम चेंज होता है वैसे ही इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो आप देखिए ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, करने के बाद में आप हॉस्पिटल ना ही जाएं तो ज़्यादा बेटर है, और अगर आप ये करेंगे तो हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हॉस्पिटल में वो लोग भी यही चीज़ आपके साथ यूज़ करने वाले हैं और आपके लाखों रुपए का बिल बना देंगे। तो आप देखिए करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो चाहूँगा कि मेरे जितने भी YouTube फैमिली मेम्बर्स हैं, व्यूवर्स हैं, जो बेचारे पैरालाइज के पेशेंट हैं, गाँव देहात में इधर उधर रहते हैं, वो लोग ये करें और ज़्यादा परेशान ना हो। ये चेस्ट का कंजेक्शन होता है, इससे और कोई दिक्कत नहीं होती है, आप ये वाला सिरप यूज़ करिए। और ये मशीन ज़्यादा महंगी भी नहीं है, और मशीन ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 500 रुपीज़, मतलब कि 500 रुपये से स्टार्ट होके आपको 1800 रुपये के आसपास में ये मशीन मार्केट में मिल जाएगी। तो दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बतानी भूल गया आपको, कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है हमारे लिए सर्दी और नज़ला खांसी जुकाम से बचने के लिए, अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये है, इम्पोर्टेंट चीज़ है गुड़। डेली डाइट में आप इसको शामिल करें, आपको देखिए बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ से। ये देखिए ये है गुड़, ये नॉर्मली आपको कहीं भी कैसे भी मिल जाएगा मार्केट में। आप इस गुड़ को दिन में अपनी डाइट में 3 बार कम से कम शामिल कर लें तो आपको क्या होगा कि नज़ला खांसी जुकाम ये सब चीज़ नहीं होंगी, लंग्स का इन्फेक्शन नहीं होगा, और सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है आपको कफ नहीं बनेगा इससे। अगर आप इसको रेगुलर खाएंगे तो आपको कफ नहीं बनेगा और लंग्स हमारे स्ट्रांग हो जाएंगे, जो भी डस्ट वगैरह या जो भी इन्फेक्शन लंग्स के अंदर होता है वो नहीं होगा। तो आप इसको भी ज़रूर यूज़ करें सर्दी से बचने के। तो देखा आपने, ज़रूरी नहीं है कि ये परेशानी पैरालाइज के पेशेंट के साथ ही आई, ये नॉर्मल पीपल के साथ में भी आ सकती है। आपने देखा होगा सर्दियाँ जैसे स्टार्ट होती है बच्चों को इस टाइप की परेशानी होने लगती है, छोटे बच्चों को, तो सेम उसी तरह की बॉडी हम लोगों की भी हो जाती है, और जैसे जैसे एज बढ़ती है उन लोगों को भी होती है। बाकी आप इस चीज़ को यूज़ करके देखिए, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मेरा स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, उस नंबर पर व्हाट्सअप कर कर या कॉल कर कर आप पता कर सकते हैं अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत परेशानी है। और आज की वीडियो आपको मेरी कैसी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो अगर सब्सक्राइब करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। उसका रीज़न सिर्फ यही है कि अगर आप मेरी वीडियो ज़्यादा शेयर करेंगे तो जिन लोगों के पास इस तरह की परेशानी झेलने के लिए कोई फाइनेंशियल एफर्ट नहीं है और वो ये चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर उनको पता लग जाएगा तो वो भी ये चीज़ें कर पाएंगे। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलता हूँ एक नई एक्टिविटी, नई वीडियो के साथ में नेक्स्ट संडे या उससे पहले। बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए, इस सर्दियों से हमें लड़ना है।